यह है टीवी भारत, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर किया सीधा हमला, कहा झारखंड को मणिपुर बनाना चाहती है भाजपा, जेल में हेमंत सोरेन को भी है खतरा, स्टेन स्वामी केस का दिया हवाला। ट्राइबल सीटों पर हार ने बढ़ाई भाजपा की चिंता, लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा में जुटी पार्टी, रांची में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक। निशिकांत दुबे ने प्रदीप यादव को याद दिलाया वादा, कहा अब ले राजनीति से संन्यास, प्रदीप यादव ने हारने पर संन्यास लेने की कही थी बात। झारखंड में बागी विधायकों को जनता ने नकारा, सीता सोरेन को छोड़ अपने ही विधानसभा क्षेत्र में पिछड़े सभी बागी, अब उनके राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लगने के आसार। यशस्विनी सहाय ने रांची लोकसभा क्षेत्र की जनता को कहा शुक्रिया, कहा चुनावी हार के बावजूद आपके सुख दुख में रहूंगी साथ, विजयी प्रत्याशी संजय सेठ को भी दी शुभकामनाएं। हजारीबाग में कांग्रेस की हार पर अंबा प्रसाद ने मैनेजमेंट पर फोड़ा ठीकरा, 2,75,000 से अधिक मतों से हारे कांग्रेस उम्मीदवार जेपी पटेल, अंबा ने विजयी उम्मीदवार मनीष जायसवाल को भी दी बधाई। सीता सोरेन और जेपी पटेल पर विधानसभा अध्यक्ष गंभीर, दोनों ने लड़ा था लोकसभा चुनाव, दोनों पर हो सकती है कार्रवाई। लोहरदगा में एक पुलिसकर्मी ने एएसआई की गोली मारकर की हत्या, पुलिस को सरेंडर कराने में लग गए 10.5 घंटे, आरोपी पुलिस जवान मानसिक रूप से बीमार। पलामू में आदिम जनजाति की नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या, मानव तस्करी के लिए ले जाई गई थी बिहार, आरोपियों ने शव को भी दफनाया। गिरिडीह में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर सड़क पर उतरे मृतक के परिजन, दूसरी तरफ फरार दो अभियुक्त ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण। खबरों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।